हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या नेक्स्ट रिलेशनशिप कौन है, किसके साथ आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाला है, क्या उसके साथ आपकी शादी होगी कि नहीं होंगे, और नेक्स्ट रिलेशनशिप कब है, कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में, किस तरीका से उनके साथ मुलाकात रहेगा, आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड राइट बिलो टू माई वीडियो, ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में मिले। ये सारे ब्रेसलेट में मैं हीलिंग की एनर्जी डालती हूँ और हीलिंग रेकी कबाला लामा फेरा संभाला आपके नाम से डाल के मैं भेजती हूँ, तो ये मिराकुलस काम करते हैं। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होगी, कौन रहेगा आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप में, और क्या उनके साथ आपके रिलेशनशिप रहेगा, इन डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन आगे में आपको ऑन स्क्रीन दिख जाएगा। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो, जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। आपके नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जिसके साथ भी आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर, उनके कौन होने वाला है और उनके साथ आपके रिलेशनशिप आगे कहाँ तक जाएगा, किस तरीका से आपके रिलेशनशिप ग्रो करेगा, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग कर रही हूँ। ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, बट उससे पहले दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर। ये वीडियो किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन यूएस, वेदर यू आर इन कनाडा, लंदन, जहाँ पर भी आप हो, वेदर यू आर इन टेक्सस, वेदर यू आर इन कैलिफोर्निया, वेदर यू आर इन न्यू जर्सी, वेदर यू आर इन कोलोराडो, आपके लिए, या इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, जहाँ पर भी आप हो, आपके लिए ये रीडिंग है। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। एंड मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, कमिटेड, डिवोर्सी, सबके लिए है। एंड ये वीडियो हर जेंडर के लोगों के लिए है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, थर्ड जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है। तो इस यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्विकली शुरू करते हैं। ये है रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, ये है आपके करियर के ब्रेसलेट। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करो, जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है, वो भी चॉइस करो। और ये जो ब्रेसलेट है, ये पर्सनली भी आप ऑप्ट कर सकते हो, इस चैनल में फ्री भी जीत सकते हो। कैसे फ्री जीतना है वो मैं इस वीडियो के अंत में बता दूंगी। और पर्सनली अगर आपको ऑप्ट करना है तो व्हाट्सअप कर सकते हो, इसमें मैं रेकी कबाला लामा फेरा संभाला हर तरीका के एनर्जी डाल के ये जो ब्रेसलेट है ये मैं आपको देती हूँ। वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, आपके नाम से डालूंगी, आपके पार्टनर के नाम से रिलेशनशिप के ब्रेसलेट। अगर आपको करियर के लिए चाहिए तो आपके नाम से करियर के ब्रेसलेट डालूंगी, नाम से हीलिंग करूंगी और हीलिंग की एनर्जी इसमें डालूंगी। थोड़ा टाइम लगता है इसे बनाने में, एक डेढ़ महीना, लेकिन जब आपके हाथ में पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो अगर आप चाहते हो तो पर्सनली इसे ऑप्ट करना, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके पास है 30 सेकेंड्स, प्लीज चूज वन ऑफ द ऑप्शन। होपफुली आपने चॉइस कर लिया है। क्विकली शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस किया था रिलेशनशिप के ब्रेसलेट, उनके रीडिंग से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जो भी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो आपके लाइफ टाइम पार्टनर जो भी एंटर कर रहे हैं, कौन है, उनके साथ आगे में रिलेशनशिप रिश्ता कैसे रहेगा और किस तरीका से आप दोनों के रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आपकी फर्स्ट कार्ड है डेथ की कार्ड, सेकंड कार्ड है लवर्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की कार्ड है, एंड द वर्ल्ड के कार्ड है, चैरियट है एंड क्वीन ऑफ कप्स है, एंड देन एम्पायर के कार्ड एंड स्टार के कार्ड है, एंड में प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है एंड प्रिंस ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान होगा तो वो बहुत इमोशनल,
बहुत ही ज़्यादा आपको लेके इमोशनल रहेगा। जिस किसी के साथ जो भी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लेके इमोशनल होने वाला है, आपको प्यार करने वाला, आपको लेके इमोशनल होने वाला, आपके साथ देने वाला एक ऐसे इंसान रहेगा जो मतलब बहुत बचपन से या बहुत सालों से आप जानते हो। मिनिमम आप 5 to 6 years के जो है आप 5 to 6 years के ईयर से उनको जान रहे हो। एंड वो बहुत ही ज़्यादा, कुछ कार्ड्स मैंने यहाँ पर भी रखा था, वो भी मैं कर देती हूँ आपके यहाँ पर रख देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे इंसान, बहुत ही एक अच्छे इंसान है जो बेसिकली अपने, उनको आप परफेक्शनिस्ट भी बोल सकते हो। वो हर काम जो करते हैं परफेक्शन के साथ करता है। इनफैक्ट रिलेशनशिप भी जो बनाता है वो बहुत परफेक्ट होके ही वो रिलेशनशिप बनते हैं। वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान है। और उनके साथ आपकी मुलाकात कब हो रही है, उनके साथ मुलाकात के टाइम आपके रहेंगे ऑलमोस्ट, मुझे जैसे लग रहा है कि जून जुलाई अगस्त के दौरान, इधर जून इधर मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, इस दौरान उनके साथ आपके मुलाकात होंगे। आप पास्ट से उन्हें जानते हो, कई पुराने कई सालों से जान रहे हो, शायद आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे फ्रेंड जो पहले आपको नहीं बताया था कि शादी करना चाहिए लेकिन बाद में आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा एंड उसके बाद उनके साथ शादी हो जाएगी। एंड दिस इज द प्रिंस ऑफ कप्स विच इज काइंड ऑफ, यू नो, दे आर वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। वो इमोशनल बॉन्डिंग बनाना, एक दूसरे के साथ दे के चलना, इस तरीका के इंसान है। और ये जो रिश्ता है या ये जो प्रपोजल है, ये मैरिज प्रपोजल के तौर पे आए या आपके साथ उनके जो फर्स्ट फ्रेंडशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप बने, दोनों ही हो सकते हैं। और दोनों में ही ये प्रपोजल जो है या ये जो पर्सन है, ये आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ये क्लीनलीनेस पसंद करते हैं, क्लीन रहना हमेशा इनको थोड़ा ओसीडी है, क्लीन रहने की ओसीडी है, तो क्लीनलीनेस इनको पसंद है। शाई है, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट पर्सन है। एनालिटिकल है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं हर इंसान को, हर लाइफ के हर प्रॉब्लम को वो एनालिसिस करके उसके सोल्यूशन निकालते हैं। तुरंत डिसीजन लेने वाला, रिस्क लेने वाला पर्सन में से नहीं है। एंड मेथोडोलॉजिकल है, हर मेथड को आप वो समझते हैं, सोचते हैं, हर चीज़ों को सोच समझ के काम करने वाला ऐसे इंसान है। एंड हमेशा घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन बाहर घूमने फिरने जाना। तो अगर आप ट्रैवलिंग पर्सन हो, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको इतना ट्रैवल करना पसंद नहीं होगा। ये डोमेस्टिक पर्सन है, घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन ट्रैवल। कभी कभी ट्रैवल कर सकते हो लेकिन घर में रहना ज़्यादा पसंद है इनको। ये स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी में इनके काफ़ी ज़्यादा बिलीव है। एंड इनके इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन लेवल हाई है। इमोशनल पर्सन है, लवेबल पर्सन है। तो आपके लाइफ में ये जून जुलाई अगस्त में इंटर कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप दोनों के एक बॉन्डिंग बनेंगे। एंड क्वीन ऑफ कप्स भी आ रहे हैं, प्रिंसेस ऑफ कप्स भी आ रहे हैं, जैसे दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा एक दोस्ती से शुरू होगा और फिर आगे इमोशनल बॉन्डिंग बनेगा और उस बॉन्डिंग के साथ साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। एंड आई एम थिंकिंग समथिंग लाइक 1 year 2 months 3 months के बाद आप दोनों के रिलेशन शुरू होने की, 1 year 2 3 months के बाद आप दोनों की शादी होने की चांसेस है, डेफिनेटली है। तो ये एज अ मैरिज प्रपोजल भी आपके सामने आ सकते हैं या इंडिविजुअली आपके साथ लॉन्ग टर्म के बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज अ फ्रेंडली वे में शुरू होगा बात और आगे में चीज़ें इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। आप दोनों के इस इंसान, ये ऑलरेडी वेल सेटल्ड पर्सन है और आप जहाँ कहीं पे भी रहते हो, आपके करंट लोकेशन जो भी है उस लोकेशन से नहीं है, कोई दूसरे लोकेशन से होंगे। एंड ही और शी इज़ क्वाइट फेमस, वो अपने घर के आसपास के लोग उन्हें जानता होगा, इस तरीके से कुछ काम करता है, या वो एक ऐसे इंसान है जिसके बारे में मतलब काफ़ी लोगों को नॉलेज है, काफ़ी लोग जानते हैं उन्हें, काफ़ी लोग मानता है, इस तरीके के जाने माने इंसान होंगे या बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन रहेगा। ओके, एंड
ओपन अप होने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, आप भी थोड़ा इंट्रोवर्ट ही हो, तो आप ओपन अप होने में टाइम लगाओगे। जब ये आता है आपके लाइफ में उसके बाद 4 to 5 months आपको लग जाएंगे इनके सामने ओपन अप होने में। बट आई एम सीइंग थिंग्स विल बी वेरी फाइन विथ यू और आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ एंड नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता देती हूँ, KYANIGRVCTYD। इनमें से SP, इनमें से आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, फर्स्ट नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2/11/29, 6/24/15, 5/23/14, and 4/22/31/13। इनमें से आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके एनर्जी हो सकते हैं 6/24/15, 9/18/27, 2/20/11/29, 3/30/21/12, and 1/10/19/28। ये आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आपके जोडियक साइन हो सकते हैं वर्गो, सॉरी स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड जेमिनाई एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। इनमें से आपके जो है जोडियक साइन हो सकते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, जेमिनाई यानी कि मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। इन राशियों में से आपके राशि हो सकते हैं, ठीक है। आप वेस्टर्न इसके लिए एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बोल रहे हो, आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप इन सारे राशियों का हो सकते हो। और इसके सिवा आपके डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया है, वो है आपके एनर्जी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। इस वक्त में आप ब्राउन, येलो, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ग्रीन या रेड या मरून में कोई शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो। आपको जो है आपको बार बार मतलब अपने अपने जो ब्यूटी कॉन्शियस पर्सन हो आप, एक तरीका से आपको ब्यूटी के ऊपर ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में आप हो, एंड मैं देख रही हूँ कि आप बिज़नेस भी बहुत अच्छा कर सकते हो या ऑलरेडी आप बिज़नेस कर रहे होंगे। आप क्रिएटिव पर्सन भी हो एंड आप शायद कोई MNC में भी काम कर सकते हो, कोई अच्छे पोजिशन में MNC में काम करते हो, कोई प्राइवेट जॉब है लेकिन MNC है, अच्छे पोजिशन में आप हो। आप फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर से भी हो सकते हो, शेयर मार्केट के भी काम कर सकते हो सकते हो। आपके पास रेस्टोरेंट के बिजनेस या रेस्टोरेंट चेन ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेस भी हो सकते हैं एंड आप रियल एस्टेट के काम भी कर सकते हो या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर सकते हो। इस तरीका के आपके जॉब प्रोफाइल है। और इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ और आगे में चलते हैं। जिन्होंने चॉइस किया है करियर के ब्रेसलेट, होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब my channel, like my video, write below to my video and comment section में लिखते जाइए ताकि आपको इस तरीका के जो है healing के bracelet मिले। ये relationship healing के bracelet है। तो quickly चलते हैं और reading करते हैं, दूसरा reading करते हैं। दूसरा रीडिंग में चलेंगे, ये है करियर की ब्रेसलेट। अगर आप में से किसी को भी ये ब्रेसलेट चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कि ये ब्रेसलेट बेसिकली आप पर्सनली भी ऑप्ट कर सकते हो और ऐसे भी आप ले सकते हो मेरे चैनल को प्रॉपरली सपोर्ट करके। वो कैसे सपोर्ट करना है वो मैं आपको क्विकली बता दूंगी, अभी थोड़ी देर में बताऊँगी एंड ऑफ द वीडियो। बट उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि आपके कार्ड्स क्या कहता है आपके बारे में। पहले आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में देखते हैं। तो आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में बात करेंगे। आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कौन है, कब आ रही है, कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में इन डिटेल्स बात करेंगे। पहला कार्ड है आपके द फूल के कार्ड, आप देख सकते हो द फूल के कार्ड। दूसरा कार्ड है सन के कार्ड, द फूल, द सन, टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड।
क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड, टू ऑफ कप्स के कार्ड, टू ऑफ वैंड्स के कार्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ शोर्ड्स, किंग ऑफ शोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ शोर्ड्स। देखो जो भी आ रहा है आपके लाइफ में वो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से है, क्योंकि आपके पास ये दोनों एनर्जी आया है, क्योंकि क्वीन ऑफ शोर्ड्स एंड किंग ऑफ शोर्ड्स, क्वीन ऑफ शोर्ड्स एंड किंग ऑफ शोर्ड्स जब आता है तो इसके मतलब ये है कि जो भी आ रहे हैं आपके लाइफ में वो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, हो सकते हैं ट्विन फ्लेम हो या हायर सेल्फ कनेक्शन में से आ रहा होगा। और अब भी अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो ये कोई ऐसे इंसान है जो कोई थर्ड पर्सन के वजह से आपको छोड़ के गया था, प्रीवियसली कोई थर्ड पर्सन के वजह से आपको छोड़ के गया था, अब आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। किसी कारण है तो ये आपको छोड़ के गए थे और अब आपके लाइफ में पूरी तरीके से वापस आ रहे हैं, और वापस आके आपको मैरिज के प्रपोजल भी देगा। और पहले बहुत कंफ्यूज था ये, बेसिकली पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके, लेकिन अब थर्ड पार्टी इनके लाइफ में नहीं है तो ये प्रॉपरली आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। और जब रिटर्न करेगा तो आपको, मैं देख पा रही हूँ कि आपको आपको ये बिल्कुल कमिटमेंट दे देगा, आपको कमिटमेंट देगा। पहले तो ऐसे था कि थर्ड पर्सन भी था और आपको लेकर डाइसी भी थे, कंफ्यूज भी था, लेकिन ये दोबारा आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा इनसे मुलाकात हुआ था, आपके जब भी मुलाकात हुई थी इंटरनेट के द्वारा मुलाकात हुई थी, और अब भी मैं देख पा रही हूँ कि अब भी आपके साथ बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, काफ़ी महीने से शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन आप इनके ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, ठीक है, आप ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो। और उसमें मैं देख पा रही हूँ कि आपको लेके पहले तो बहुत ज़्यादा डाइसी था, बट अब उस तरीका की सिचुएशन नहीं है, टू ऑफ कप्स के कार्ड आ रही है, तो देखते हैं कि कब तक ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं और एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में। ये गया हुआ काफ़ी टाइम हो गए होंगे, शायद 2 ईयर्स पहले की रिलेशनशिप था या 1 ईयर पहले की रिलेशनशिप था, जो मतलब ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी दोबारा वापस आ रहे हैं। इसके एनर्जी से मैं बता सकती हूँ ये जो पर्सन होगा ये टॉरस, सेजिटेरियस, लिब्रा एंड लियो, ये चारों जोडियक साइन से हो सकता है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि एंड लियो यानी कि सिंह राशि के हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उनके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। डेफिनेटली अभी जून मंथ में ही वो आपके लाइफ में एंटर कर जाएगा, अप्रैल में भी हो सकता था, बट अभी अप्रैल तो चला गया है तो अभी मई के एंड में भी हो सकते हैं या जून में भी हो सकते हैं, जून जुलाई के अंदर ही ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा एंटर कर रहे हैं। ये बहुत पहले की बात था जब आपके साथ इनके रिलेशन थे, लेकिन ये उस रिलेशनशिप को निभा नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी, कुछ ना कुछ उनके मन में भी कन्फ्यूजन था आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके, तो छोड़ के चला गया था, लेकिन अब दोबारा एंट्री हो रहे और दोबारा आपके साथ उनके जैसे बात बनेगा। और कुछ मतलब कुछ महीना तक ये रिलेशनशिप चलने के बाद आई थिंक फेब्रुअरी मंथ, जैसे कि फेब्रुअरी या मार्च के मंथ रहेगा जिस दौरान आप दोनों की शादी हो सकते हैं। एंड मैं बोलूँगी कि ये पब्लिक लाइफ में ध्यान देने वाला इंसान है, इसके नेचर वाइज मैं बता देती हूँ, पब्लिक के साथ रिलेशन रखना, पीपल पर्सन है, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखना, अच्छे बॉन्डिंग तैयार करना, सोशल पोजीशन में ध्यान देना, अपना सोशल स्टेटस क्या है, सोशल पोजीशंस क्या है, थोड़ा बहुत शो ऑफ करना, पॉपुलैरिटी गेन करना, एम्बिशियस बहुत है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन रहेगा, इंटीग्रिटी बहुत है इनके अंदर, रेपुटेशन के बारे में बार बार सोचता है, तो कुछ ऐसे काम करता होगा जिसमें इनके रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मायना रखता है, रेपुटेटिव पर्सन भी है, प्रोफेशनल पर्सन है और पावरफुल पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई सोशल वर्कर हो सकते हैं या कोई जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, ऐसे कोई इंसान है जो पहले आपके लाइफ में था और आप
को शायद मन होता था कि इसके साथ मैं शादी कर लूँ या इसके साथ मैं रहूँ, लेकिन उस दौरान उन्होंने आपको छोड़ के गए। शायद 2 ईयर्स हो गया होगा कुछ कुछ लोगों के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए 1 ईयर 8 मंथ्स हो गया, और बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, लेकिन आप भी वो दोबारा आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो कब एंटर कर रहे हैं? इधर मंथ ऑफ जून में एंटर करेगा या मंथ ऑफ अगस्त। तो जून जुलाई अगस्त अप्रैल में भी एक चांस था लेकिन वो चले गए, तो मुझे लग रहा है जून जुलाई अगस्त के दौरान ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, और ये एंटर करते ही 4-5 महीने के बाद आपको मैरिज के लिए प्रपोज करेगा, और मुझे लगता है कि फरवरी मार्च तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके साथ मैरिज या इंगेजमेंट कुछ हो जाए इनके साथ। आप लोगों के बारे में मैं कुछ बातें बताऊँगी। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव पर्सन हो, किसी भी चीज़ों में आपको पेशेंस नहीं होता है। एंथुजियास्टिक पर्सन हो, जो भी काम करते हो बहुत एग्रेसिव होके एंथुजियास्टिक होके करते हो, और ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। ऑनेस्टी आपके लिए सब कुछ है, जैसे मेरे लिए ऑनेस्टी सब कुछ है, आपके लिए भी ऑनेस्टी सब कुछ है। ओके, फिलोसॉफिकल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ते हो या मोटिवेशनल फिलोसॉफिकल बात करते हो, फिलोसॉफिकल पर्सन हो, पैशनेट पर्सन हो, आप लव को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, इस तरीका के आ रही है। बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, लविंग केयरिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, अगर आपको कोई छोटा से छोटा बात भी बोल देगा तो आप रो पड़ोगे। ठीक है, तो पीसफुल इंसानों पीस में रहना पसंद है। कांस्टेंट पर्सन हो, जब आप किसी के साथ टच बेस में रहते हो तो कांस्टेंटली अगर आप किसी के साथ बात करते हो तो आप कांस्टेंट रखते हो, ऐसे छोड़ छोड़ के नहीं जाते हो, हमेशा हर किसी के साथ रिलेशन को अच्छा मेंटेन करते हो। अफेक्शनेट पर्सन हो, अपने भाई बहन हो, अपने फ्रेंड्स हो, कोई और कोई रिलेशन बनाए हो तो उनके लिए बहुत अफेक्शनेट हो, उनके लिए कुछ भी करने के लिए आप रेडी होते हो, इस तरीका के आपके एनर्जी आ रही है। आपके डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1/10/1928 and 3/30/21 and 12, 4/22/31 and 13, 8/26/17, 7/25 and 16 and 6/24 and 15, ये आपके डेट ऑफ बर्थ होगा। और आपके पार्टनर के बारे नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता देती हूँ, आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं OIMSGATURVL, इनमें से फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके पार्टनर के हो सकते हैं। इस वक्त में आप ऑरेंज और ऑरेंज कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, ब्लैक, ब्राउन या ग्रे कलर के कुछ पहने हो, या वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, अटायर, कुर्ता, साड़ी, कुछ भी जो है अटायर पहने हुए हो। और आप लोग जो है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बट सेम टाइम में आपके दिल टूटा हुआ है, कई बार दिल टूटा हुआ है, तो अब भी मैं देख रही हूँ कि सब कुछ सही होने वाला है, एंड होपफुली आप लोगों के लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। संकट आ रहा है, संकट के साथ मैं आपको एक ही चीज़ दे बोल सकती हूँ कि एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट वेरी सून। तो विश्वास रखें, जो चला गया था वो भी वापस आ रहे, तो यूनिवर्स में हीलिंग एनर्जी पे विश्वास रखिए और चैनल से हीलिंग लेते रहे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, राइट बिलो टू माय वीडियो, एंड प्लीज़ रेफर पीपल एप माय चैनल, ताकि वो भी इसे देख पाए। इस चैनल को आप ग्रो करने में हेल्प करोगे तो मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन जब ये चैनल ग्रो नहीं होता है, और मैंने कई बार देखा है, मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कई ऐसे चैनल हैं जो बहुत फेक टर्म्स में वे फेक बातें करते हैं, आप लोगों को झूठा तसल्ली देता है, आप लोग उस चैनल को जब ग्रो कराते हो तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि मतलब कैसे लोग हैं जो सच्चे सच बोल रहे हैं उनको ग्रो नहीं करने दे रहे, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं तो उनको वो कड़वा लग रहा है एंड वो उन्हें उनके चैनल को ग्रो नहीं करने दे रहे, लेकिन दूसरे के चैनल ग्रो करा रहे हैं बिकॉज वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, हेल्प करो, तो मैं भी आप लोगों को आगे में सपोर्ट एंड हेल्प कर सकती हूँ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। गाइस, आप लोगों को मैं बताऊँगी कि किस तरीके से ये ब्रेसलेट आप इस चैनल से जीत सकते हो। अगर आपको ब्रेसलेट, पर्टिकुलरली ब्रेसलेट ही जीतना है, इसमें मैं कबाला, रेखी, समाला, लामा, फेरा, इमारा, हर तरीका के एनर्जी डाल के ये ब्रेसलेट बनाती हूँ। इसमें बहुत एनर्जी रहते हैं,
ये जो ब्रेसलेट है ये इतना आसानी से मैं दे नहीं सकती हूँ, बिकॉज जब कोई ये ब्रेसलेट लेते हैं उन्हें 5,000, 5,500 ऐसे कुछ देते हैं, तो मैं इसे आपको अगर देती हूँ फ्री में, कोरियर भी फ्री में कर रही हूँ, ब्रेसलेट खरीदना भी आपको नहीं पड़ रहा है, हीलिंग भी दे रही हूँ, तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्ट करना होती है चैनल को। आप प्रॉपर्ली चैनल को सपोर्ट करें, जब भी वीडियो रिलीज हो वीडियो के नीचे में डिटेल्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कुछ सब्सक्राइबर्स जो है मुझे दीजिए, उसके जो डिटेल्स है इकट्ठा करके रखिए, जो उनके स्क्रीनशॉट लेके मुझे वो आप बाद में व्हाट्सएप में भेज सकते हो। मानो आप 10 लोगों को ही दिया या 15 लोगों को दिया, उनको उनका डिटेल्स आप भेजो मुझे और मैं उसके स्क्रीनशॉट देख के आपको फ्री रीडिंग दूंगी, ठीक है? तो मैं उनके उसके स्क्रीनशॉट देख के फ्री रीडिंग दे सकती हूँ या फ्री इस तरीका के ब्रेसलेट दे सकती हूँ। बट उन सारे सब्सक्राइबर 1-2 दिन अगर रह के छोड़ देते हैं तो नहीं होगा, वो मिनिमम 3 मंथ्स तक मेरे चैनल में एक्टिव रहना चाहिए। तो इस तरीका के कुछ करोगे तो मैं आपको ब्रेसलेट दे दूँगी, 3 to 6 मंथ के अंदर ही आपको, आप इस तरीका के अगर चैनल को सपोर्ट करते हो 3 मंथ्स के लिए मिल सकते हैं। फ्री रीडिंग आपको खुद को चैनल को सपोर्ट करना है, उसके लिए सिर्फ आपको चैनल को, चैनल के हर वीडियो को देखना है, लाइक करना है, वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखना है, कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना है, मेक श्योर के हर वीडियो के नीचे में आपके हो कमेंट्स। पुराना वीडियो नहीं बोल रही, जब से देख रहे हो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के लिए हर वीडियो के नीचे में कमेंट्स हो, लाइक हो, आपके सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल ऐसे हो तो आपको मिल सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।